हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 14 सी की। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने 14 बी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम 14 सी के सॉल्व करेंगे जिसमें 1 से 6 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। पहला नंबर ये है कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं क्या, ये इसमें बताना सत्य है कि असत्य। सबसे पहले ये जानिए कि स्पर्श बिंदु क्या होता है। ये रहा एक वृत्त, ठीक है, वृत्त और स्पर्श बिंदु होता है जो वृत्त पर स्थित हो, न अंदर न बाहर, और इसी स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा जाती है जो मात्र उस स्पर्श बिंदु को ही स्पर्श करती है। और कहा गया है कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, अब इसी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या इस प्रकार से खींच दी गई, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। कहा खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं क्या, बिल्कुल लंब है, देख लीजिए इनके बीच में कितने अंश का 19 डिग्री का कोण बनेगा, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, एक ही बात है। यानी इसका मतलब ये है कि ये कथन हमारा क्या है, सत्य है, ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नंबर, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब छेदिका क्या है, छेदिका होती है वृत्त को छेदने वाली इस प्रकार से कोई एक रेखा होती है। तो उसने कहा है कि 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं, केवल 2 बिंदुओं पर। आप देख सकते हैं कि मात्र 2 बिंदुओं पर ये छेदिका प्रतिच्छेद करती है, यानी ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब उसके बाद तीसरा नंबर, तीसरे में कहा गया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, नहीं, स्पर्श रेखा मात्र एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्पर्श रेखा है, मात्र एक बिंदु पर स्पर्श करती है, इसका मतलब ये कथन भी आपका क्या हो गया, असत्य, ये भी क्या हो गया, असत्य। अब इसके बाद चौथा, वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक प्रमेय भी है कि यदि कोई एक वृत्त है, वृत्त की कोई एक जीवा हो गई, ये क्या हो गई, जीवा, ठीक है, और कहा गया है केंद्र से उसकी जीवा, देखिए वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब, यानी केंद्र से वो जीवा पर क्या डाला गया हो, लंब, तो जो लंब है इस जीवा को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। यही बात कही भी गई है कि खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये बात क्या है, सत्य है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये चारों के चारों विकल्प जो सत्य असत्य है वो आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो हमने एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, मान लीजिए इसका जो केंद्र है वो केंद्र कितना है, ओ है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है, 2.5 है। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, तो हम यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं कि ये हमारा एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है, त्रिज्या OP खींचिए, इसका मतलब ये है कि हमें O को P से मिलाना होगा, तो हम पटरी की सहायता से O को हम P से मिला देंगे। ठीक है, O को P से इस प्रकार से मिला देंगे, और ये वाला जो बिंदु हमने यहाँ पर लिया है उसको यहाँ पर ले लेते हैं, ये बिंदु P है। ठीक है, उसके बाद कहा गया रेखाखंड OP के बिंदु, रेखाखंड OP
के बिंदु पी पर, बिंदु पी पर लंब पीटी खींचिए। लंब मतलब इस पर, इस बिंदु पी पर एक लंब खींचना है। तो लंब किस प्रकार से खींचा जाता है? इस प्रकार से, इस प्रकार से बिल्कुल ये यहाँ पर लंब गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बिंदु टी, तो पी टी क्या हो गया? इस पर लंब हो गया। तो कहा गया है क्या पी टी वृत्त की स्पर्श रेखा है? तो स्पर्श रेखा होने के लिए त्रिज्या पर लंब होना चाहिए स्पर्श रेखा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, क्या दिया है? ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और ओपी, ओपी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो ओपी है वह लंब है किस पर? पीटी पर, पीटी पर। और लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। अतः अतः पीटी, पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। इतना काम केवल करना था, बताइए, छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से इजीली तरीके सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी हमें इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि रेखाखंड AB वृत्त की क्या है, यानी ये आपको चित्र दिया गया है, इसमें देख के हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जो AB है ये वृत्त की क्या दिख रही है? जीवा है। ये क्या है? वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पर भरेंगे जीवा, जीवा है। रेखाखंड OR वृत्त की, OR वृत्त की क्या है? ये त्रिज्या है। तो यहाँ पर भरेंगे त्रिज्या। उसके बाद रेखा CD वृत्त की क्या है? CD, ये वृत्त को छेदते हुए निकल रही है, इसका मतलब ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा। का रेखा PQ वृत्त की क्या है? ये PQ जो है ये वृत्त को मात्र एक बिंदु पर छू के निकल रही, स्पर्श करके निकल रही, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। इतना काम करना था, बिल्कुल आसान और सिंपल सा है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। तो ये हमने मान लेते हैं कि ओ वृत्त वाला 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। और कहा इस वृत्त पर दो बिंदु ए और बी इस प्रकार लीजिए कि कोण AOB बराबर 60 अंश। तो ए आप कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ए हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये बिंदु हमारा कौन सा है? ए है। लेकिन बी ऐसी जगह पर लेना है कि ए, ओ और बी 60 अंश का कोण बनाए। 60 अंश का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना है कि चांदे की हेल्प लेना है। इस चांदे की हेल्प से आप इसको इस प्रकार से नाप लेना है, इस प्रकार से इसको रख के, ठीक है। यहाँ से पहले इसको मिला देते हैं, पहले इसको मिला देंगे किसको? पहले इसको मिला देंगे ए को ओ से, तभी हम 60 अंश का कोण बना पाएंगे। तो इसको हमने मिला दिया, ठीक है। अब चांदे की हेल्प से हमें 60 अंश का इस ओ पर कोण बनाना है,
तो इसे यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाली लाइन, और 60 अंश का कोण ये यहाँ पर बिंदु लग रहा है, तो बिंदु यहाँ पर ये, और यहाँ से होते हुए एक हमें रेखा खंड खींच देना है, और जहाँ पर इस वृत्त को काटेगा वही हमारा हो जाएगा बिंदु B, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा 60 अंश का कोण, तो ए ओ बी कितना हो गया 60 अंश। उसके बाद कहा बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं AP तथा PB है, यानी A से हम एक इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से देखिए यहाँ से इस प्रकार से इसको केवल टच करते हुए जाना चाहिए इस प्रकार, और B से भी खींचेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर रखेंगे B बिंदु पर और इसको इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं यही है आपका बिंदु P, तो देखिए AP और PB हो गए। उसके बाद कहा कि कोण APB मतलब ये वाला कोण हमें बताना है कि ये वाला कोण कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें लिख देना है जो हमें यहाँ पर ज्ञात है, हल लिखेंगे O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है कोण AOB बराबर 60 अंश तथा OA OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और कोण OAP बराबर है कोण OBP के, OBP जो कि कितना होगा 90 अंश होगा, क्योंकि क्या है ये त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी यहाँ पर आपका 19 डिग्री होगा, यहाँ पर भी आपका 19 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्पष्टीकरण देना चाहते स्पष्टीकरण दे सकते हैं, चूंकि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसे बताना है ये वाला कोण, तो लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो लिखेंगे कोण ए ना लिख के हम ए ओ पी लिख दें, ठीक है, कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। ये भी 90 अंश है, ठीक है, ये दोनों कितने हैं 90 अंश के, और ये वाला कोण कितना है 60 अंश का है, प्लस कोण ए पी बी बराबर 360। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, तो 9 और 9 18 में 6 और जोड़ दीजिए, 18 4 22, अब 22 तो कितना हो गया 26 हो गया, तो ये हो जाएगा 260 अंश, ठीक है। और प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 अंश, ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो कोण ए पी बी बराबर 360 अंश माइनस 260 अंश। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। 9 9 18 हो गया, 18 4 22 तो 24 होगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा 24। चलें घटा लेते हैं, कोण ए पी बी बराबर घटाएंगे ये हो जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि कोण ए पी बी कितना हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से सॉल्व करना था। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को अब लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चले क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि पार्श्व आकृति में पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू ये वृत्त का क्या है व्यास है, तथा पी आर और क्यू एस, पी आर क्यू एस वृत्त की क्रमशः पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। क्या पी आर समांतर है पी एस क्यू सॉरी क्यू एस के, कहा गया पी आर जो है क्यू एस के क्या समांतर है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, चलें हल करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो पी क्यू है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, तथा ओ पी और ओ क्यू वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और उसके बाद पी आर आगे लिखेंगे, पी आर तथा पी आर तथा क्यू एस, क्यू एस स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि ओ पी जो है, ओ पी लंब होगा पी आर पर, पी आर तथा ओ क्यू लंब होगा क्यू एस पर। मतलब अब लंब हो रहा है तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा 19 डिग्री, यहाँ पर भी कितने डिग्री कोण बनेगा 19 डिग्री, यानी कोण ओ पी आर, कोण ओ पी आर बराबर होगा कोण ओ क्यू आर कितना 90 अंश। ठीक है, दोनों में कोण सेम है, जब कोण सेम है कोण बराबर है, यानी ये रेखा इसके क्या होगी समांतर होगी। तो लिखेंगे अतः अतः पी आर समांतर क्यू एस। ठीक है, इसमें किस कहाँ है कारण भी देना है, तो कारण भी देना, तो लिखेंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे लिखेंगे केंद्र से पी तथा क्यू, पी तथा क्यू समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं, इसलिए ओ पी तथा ओ क्यू त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और आगे ये भी लिख देंगे ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना था। ये क्यों समांतर है, क्योंकि इनके बीच में जो कोण है वो बराबर है, इनके बीच की दूरी भी बराबर है, दूरी बराबर होने की वजह से ये क्या हो गए एक दूसरे के समांतर। समांतर का मतलब ये होता है यदि कोई हम रेखा इस प्रकार से खींचे तो जस्ट इसी के जैसी दूसरी भी एक रेखा खींची हो, यानी इसमें सभी जगह पर
इनमें जो सभी जगह पर दूरी क्या हो, बराबर दूरी होनी चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, यानी इनको हम कितना भी आगे पीछे बढ़ा दें, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना बड़ा सा लिखा लेकिन सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि पार्श्व आकृति में केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रिक मतलब होता है दो वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही हो, ठीक है। और कहा गया बड़े वृत्त की एक जीवा ए बी छोटे वृत्त की पी पर स्पर्श रेखा है। यानी बड़े वृत्त की ये ए बी जीवा है लेकिन छोटे वाले वृत्त की ये क्या स्पर्श रेखा है। कहा गया है क्या यह सत्य होगा कि ए बी बिंदु पी पर समद्विभाजित करती समद्विभाजित होती है। सकारण उत्तर दीजिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, उत्तर आप ये यहां पर समझिए, ये ओ है केंद्र, ओ से जीवा पर लंब डाला गया है बिंदु पी पर। अब तो आपको पता है जो कोई भी वृत्त हो उसकी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये है जो ए बी है वो बिंदु पी पर क्या होगी, समद्विभाजित होगी। तो लिखेंगे यहां पर कुछ लिख देंगे, क्योंकि यहां पर लिखेंगे कि ओ पी वृत्त की क्या है छोटे वाले वृत्त की, यहां पर छोटा लिख देना चाहिए, ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ए बी स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ जो कि कितना होगा 90 अंश। इधर भी 90 अंश, इधर भी 90 अंश, क्योंकि हमें पता है लिखेंगे हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये तो इसके बारे में लिख दिया। अब आगे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिज्या, या लिखेंगे किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ए पी बराबर पी बी। ठीक है, इसका मतलब है कि हाँ ये समद्विभाजित होती है रेखाखंड ए बी कहाँ पर, बिंदु पी पर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 6 तक के सारे क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। ठीक है, तो कल की क्लास हम लोग इसके आगे क्वेश्चन यानी इसके आगे की प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। इसके बाद शायद दक्षता अभ्यास है, उसे भी हम पूरी तरह से कल की क्लास में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।